कैसा होता अगर हमारे पास एक टाइम मशीन होती। हम वक्त में पीछे जा सकते और अपने द्वारा की गई गलतियों को मिटा सकते। तो अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती तो क्या आप सच में ऐसा कर पाते? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 21वीं सदी के एक वीकेंड से, जहां आप घर में बोर हो रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने दादाजी द्वारा लिखी गई कुछ किताबों को पढ़ूं। आप अपने घर के कबर्ड को ओपन करते हैं और उसमें आपको एक किताब मिलती है जिसमें कि आपको टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन आपके दादाजी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे, तो आप सोचते हैं क्यों ना मैं टाइम में पीछे जाकर अपने दादाजी को ही मार दूं। आप बिल्कुल वैसा ही करते हैं, आप टाइम मशीन बनाते हैं और वक्त में पीछे जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने दादाजी को कभी मार पाएंगे? इसका सीधा सा जवाब है कि आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप अपने दादाजी को मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब आपके दादाजी मर चुके हैं तो आपको जन्म देने वाले आपके पिताजी, उनका भी जन्म कभी नहीं होगा। अब जब आपके पिताजी का जन्म कभी नहीं होगा तो आपका जन्म कभी नहीं होगा। और अगर आपका जन्म कभी नहीं हुआ होगा तो आपको टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला कभी नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो आप कभी वक्त में पीछे जा ही नहीं पाओगे। और अगर आप वक्त में पीछे कभी गए ही नहीं, तो वो कौन था जिसने आपके दादाजी को मार दिया? इसी को कहते हैं द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। mid-1980s में एक रशियन फिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंसिस्टेंसी दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई ऐसा इवेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से बीते हुए कल में यानी कि पास्ट में कोई चेंज या पैराडॉक्स क्रिएट होता है, तो उस इवेंट के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। यानी कि ऐसा कोई इवेंट हमारे नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं जिसकी वजह से हमारे पास्ट में कोई छेड़छाड़ी हो। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि आप वक्त में पीछे जाकर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। आपके सामने कोई ना कोई बैरियर जरूर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने दादाजी को मारने जाएंगे तो हो सकता है आपकी गन काम ही ना करे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह डार्क सीजन 3 में जब जोनस अपने आप को मारने का प्रयास करता है तब उसकी गन जाम हो जाती है, पर जब वो उसी गन को दूसरे डायरेक्शन में चलाता है तब वह गन एकदम ठीक तरीके से चलती है, क्योंकि उसका फ्यूचर अभी जिंदा है, इसलिए वह मर नहीं सकता। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है और अगर आप खुद को मारने का प्रयास करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब बात ये आती है कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसको वॉर्म होल के कंसेप्ट से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि वॉर्म होल क्या होते हैं। तो वॉर्म होल एक तरीके से टनल होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम टू अनदर। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल नहीं है बल्कि 4 डायमेंशनल है, इसमें चौथे डायमेंशन टाइम की है। तो वॉर्म होल इसी स्पेस टाइम को कनेक्ट करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिस तरीके से डोरेमोन का एनवीयर डोर। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 स्टूडेंट्स ने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को बिलियट वॉल से सॉल्व करने का प्रयास किया। उन्होंने सीखा कि अगर बिलियट बॉल को वॉर्म होल के अंदर फेंका जाए किसी एक सर्टेन एंगल पर और वो सही रास्ते पर चलती जाए, तो वो वॉर्म होल से उस वक्त पे बाहर आएगी जब उसे फेंकने वाले होंगे, जिसे अभी की बॉल और फ्यूचर की बॉल आपस में टकरा जाएगी, जिसे वो बॉल वॉर्म होल के अंदर कभी नहीं जा पाएगी। पर बाद में जब और ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हुई तो साइंटिस्ट को पता चला कि वॉर्म होल कुछ इस तरीके से बने होते हैं कि दोनों बॉल आपस में तो हिट करेंगी पर वो बॉल दूसरी बॉल का रास्ता कभी नहीं बदल पाएगी। ऐसा ही कुछ आपके दादाजी के साथ भी होगा कि वो आपको कहानी सुनाएंगे कि कैसे बेटा तुम्हारे जैसे दिखने वाले ने मुझे एक दिन मारने की कोशिश करी थी। तो समझ रहे हैं ना, बॉल तो आपस में टकराएंगी मगर वो बॉल दूसरी बॉल का रास्ता नहीं बदल पाएगी। इसलिए जब भी आप अपने दादाजी को मारने जाओगे तो या तो आपकी गन जाम हो जाएगी या आपके दादाजी के साथ कुछ ऐसा होगा। और साथ ही साथ कुछ साइंटिस्ट इसे क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन से भी समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन भी वेव और पार्टिकल दोनों ही है, मतलब आप सेम टाइम पर मल्टीपल पोजिशंस में हैं। इस हाइपोथेसिस को नाम दिया गया मल्टीपल यूनिवर्स हाइपोथेसिस। और आपने अपने दादाजी को मारकर 2 वर्ल्ड क्रिएट कर लिए हैं बिल्कुल सेम टू सेम। कहने का मतलब ये है कि असली दुनिया में तो आपके दादाजी जिंदा रहेंगे मगर दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके दादाजी मर चुके होंगे। तो अब जब 2 वर्ल्ड बन चुके हैं, एक में जहां आपका अस्तित्व मिट चुका है और दूसरे में जहां आपके दादाजी जिंदा हैं,
और अगर आपके दादाजी जिंदा हैं तो मतलब आप अभी भी जिंदा हैं, और अगर आप अभी भी जिंदा हैं तो आप फिर से टाइम मशीन बनाओगे और फिर से पास्ट में जाओगे और फिर से अपने दादाजी को मारोगे। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी और आप मल्टीपल यूनिवर्स, ढेर सारे यूनिवर्स क्रिएट करते चले जाओगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि आखिर हम टाइम मशीन बनाएंगे कैसे। चलिए मान लीजिए कि आपके भविष्य वाले वर्जन ने टाइम मशीन बना ली और टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला भी आपको देकर चला गया, लेकिन साइंस के अनुसार अगर कोई भी चीज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम में पीछे जाती है तो यह एक एंडलेस टाइम की लूप बना लेती है। मजाक चल रहा है? अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। इसीलिए जब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम ट्रेवल्स के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी तभी कोई नहीं आया था, वरना एक पास्ट और प्रेजेंट की साइकिल शुरू हो जाती और टाइम ट्रेवलर सदा के लिए इस साइकिल में फंस के रह जाते। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा भी मानना है कि स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में टाइम ट्रेवलर्स आए थे और उन्होंने इंजॉय भी किया था, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट की साइकिल से बचने के लिए उन्होंने कोई ऐसी एक्सोटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया था जिससे कि उन्होंने स्टीफन हॉकिंस की मेमोरी को इरेज कर दिया था। अगर भविष्य से कोई टाइम ट्रेवलर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं इस यूट्यूब चैनल का होस्ट ये चाहूँगा कि आप सर स्टीफन हॉकिंस की पार्टी में जाएँ और ऐसे महान वैज्ञानिक के साथ पार्टी एंजॉय करें। वो अभी भी सन 2009 में आपका इंतज़ार कर रहे हैं।